दोस्तों, बंदरों की उल्टी सीधी हरकतों को दिखाने के लिए हमने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी, जिस पर आप सभी का काफी अच्छा प्यार देखने को मिला और आप सभी लोगों ने अगले पार्ट की डिमांड भी काफी ज्यादा कर दी। इसलिए हम एक बार फिर बंदरों से जुड़ी ऐसी वीडियोस लेकर आए हैं जिन्हें देख आप भी हंसने पर मजबूर हो जाओगे। तो चलिए फिर देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। सबसे पहले इस वीडियो में पता नहीं कुछ बंदरों को एक बलून कहां से मिल जाता है, जिसके बाद तो ये सभी बंदर मस्ती के मूड में आ जाते हैं और उस बलून को हवा में उछालने लगते हैं। यहां पर ये बंदर इंसानों की तरह उस बलून को सही सलामत हवा में उछाल रहे थे और काफी मजा ले रहे थे। लेकिन इतनी सावधानी बरतने के बाद भी बेचारों के साथ एक दुर्घटना हो ही जाती है और इनका बलून पता नहीं किस तरफ फट जाता है। लेकिन जो भी हो, इन बंदरों की तारीफ तो करनी होगी, क्योंकि इन्होंने बड़ी परफेक्टली अंदाज में उस बलून को हवा में उछाला था। हाँ, वो बात अलग है कि इनका बलून से खेलने के लिए जगह का चुनाव थोड़ा गलत था। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में डांस करने वाले बंदरों को देखा है? अगर नहीं तो इस बंदर को देखिए, जो कि डांस करते हुए दूसरे बंदर की ओर जा रहा है और डांस करते करते ये दूसरे बंदर के पास जाकर चुपचाप बैठ जाता है, जैसे मानो कह रहा हो, अरे भाई तू भी मेरी तरह डांस करना। और फिर क्या था, दूसरे वाला बंदर भी इसकी बात मान लेता है और वो भी इसके पीछे पीछे डांस करते हुए दौड़ने लगता है। खैर, ये बंदर जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं या फिर ये इसी तरह चलते हैं, इस बारे में तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी इनका ये चलने का तरीका काफी ज्यादा अनोखा है। ये बंदर अपने शरीर को एक कपड़े से ढक के इधर उधर उछलते हुए जमीन पर जाकर लेट जाता है और फिर जमीन पर लेटे लेटे अपने पास में खड़े एक कुत्ते की पूंछ खींचने लगता है। पर जो ही बंदर कुत्ते की पूंछ को खींचता है तो कुत्ता यहाँ से चला जाता है। लेकिन अभी बंदर मासी का भूत नहीं उतरा था और इसी वजह से ये कपड़े को नहीं छोड़ता है और फिर से कपड़े को ओढ़कर अपने साथी के पास जाकर बैठ जाता है। अब भाई, ये बंदर इस कपड़े को ओढ़कर क्या साबित करना चाहता है, ये तो साफ साफ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी इसकी ये हरकत वाकई में काफी कमाल की है। अगली इस वीडियो में आपको कुछ बुल दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन जरा रुकिए और उनमें से एक बुल को ध्यान से देखिए, जिसकी पीठ पर एक शैतान बंदर बैठकर बड़े आराम से राइड का मजा ले रहा है। और इस दौरान इस बुल को इस बात का जरा सा भी खौफ नहीं है कि वो ताकतवर बुलों से गिरा भी सकता है। ये बंदर भाई साहब तो अपने अंदाज में उस बुल के ऊपर बैठकर बड़े आराम से राइड का मजा लेते जा रहे हैं। कुछ ऐसा यहाँ पर ये बंदर भी करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये किसी बुल के ऊपर नहीं बल्कि एक डॉग की पीठ पर बैठा है। और यहाँ पर तो ये बंदर इतना ज्यादा शरारती है कि डॉग के पानी पीते समय भी ये उसकी पीठ से नहीं उतरता है और जिधर भी वो डॉग जाता है उधर ये उसकी पीठ पर बैठे हुए उसके साथ घूमते रहता है। जो मैं रिकॉर्ड इस वीडियो के अंदर भी ये बंदर ऐसा ही करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि बड़े आराम से एक बकरे के पीठ पर बैठा है। लेकिन यहाँ पर ये बकरा इस बंदर का जरा सा भी विरोध नहीं कर रहा है और बड़े आराम से इसे अपनी पीठ पर बिठा रखा है। हम आपको बता दें कि बकरे के पीठ पर बंदर के बैठे होने की वजह से उस बकरे को भी फायदा है और इसी वजह से वो इस बंदर को भगाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, क्योंकि असल में ये बंदर उसकी पीठ पर बैठकर कोई शरारत करने के लिए नहीं बल्कि असल में उसके शरीर से पैरासाइट हटाकर खाने के लिए बैठा है और इसी वजह से तो वो बकरा इसका कोई भी विरोध नहीं कर रहा है। मतलब एक बंदर का सही से इस्तेमाल करना तो कोई इस बकरे से सीखे। अगली इस वीडियो में ये बंदर भी जबरदस्ती से एक मुर्गी को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन को पकड़ के जबरदस्ती से खींचने लगता है। हालांकि जो ही बंदर उस मुर्गे को पकड़ता है तो ये मुर्गा भी उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करता है, पर भाई साहब यहाँ पर बंदर काफी तेज होता है और बेचारी मुर्गे को छूटने तक का मौका नहीं देता है और फिर मुर्गे को पकड़कर कुछ ऐसी हरकत करने लगता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, यहाँ पर ये बंदर भी उस मुर्गे के शरीर पर पैरासाइट ही ढूंढ रहा है, पर जो भी हो, इनकी ये लड़ाई काफी ज्यादा फनी तो है ही। अगली इस वीडियो में ये बंदर सबसे पहले तो इस बिल्ली के चारों ओर उछल कूद मचाता है और फिर मौका पाकर इस बेचारी बिल्ली की पूंछ खींचने लगता है। लेकिन यहाँ पर भी ये बंदर नहीं रुकता है और इसके आगे तो
ये और भी ज्यादा शरारत करने लग जाता है, क्योंकि बिल्ली की पूंछ खींचने के बाद अगली बार ये उसके चेहरे पर थपड़े भी रसीद करने लगता है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर इस दौरान बिल्ली भी इसका विरोध करती है और इस बंदर को यहाँ से भगाने की कोशिश करती है, लेकिन बंदर माँ से कैसे मानने वाले थे। ये तो बिल्ली का विरोध करने पर और भी ज्यादा भड़क जाते हैं और फिर तो बेचारी बिल्ली की पूंछ पकड़ के उसके ऊपर ही बैठ जाते हैं। नहीं मतलब आज यहाँ पर बिल्ली भी सोच रही होगी कि साला सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया था। यहाँ पर दो बंदरों को एक हेजोग दिखाई देता है, जिसके बाद ये दोनों बंदर उसे देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बार बार उस हेजोग के नजदीक आकर उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या। लेकिन जो यहाँ पर ये सफेद वाला बंदर इस हेजोग के पास में आता है तो ये काफी ज्यादा डर जाता है और फिर से डर कर यहाँ से भाग जाता है। और ये बंदर ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार करता है। खैर यहाँ पर सफेद वाला बंदर ही नहीं बल्कि इसका साथी भी यहाँ पर आता है, जो भी इस हेजोग के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी भी हवा टाइट हो जाती है और वो भी यहाँ से भाग जाता है। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। दोस्तों अगली स्टूडियो के अंदर एक पपी और एक बंदर के बीच रेसलिंग का मैच छिड़ा हुआ है, जिसमें आप भी देख सकते हैं कि इस रेसलिंग के मैच में ये पपी इसको हराने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा है। पर जॉन सीना की तरह ट्रेंड ये बंदर भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि ये भी बार बार इस कुत्ते को धोबी पचाड़ मारते रहता है। यहाँ पर बेचारा एक छोटा सा पपी चाकर भी इस बंदर को नहीं हरा पाता है। अब जरा इस पुशअप लगाने वाले बंदर से भी मिल लीजिए, जो कि एक एक करके 10 से भी ज्यादा पुशअप बड़े आराम से लगा लेता है। लेकिन ये पुशअप लगाने के बाद ही नहीं रुकता है, क्योंकि इसके बाद ही अपने एप्स बनाने के लिए भी एक्सरसाइज शुरू कर देता है। अब यहाँ पर इस बंदर के एप्स या बॉडी बने या ना बने, पर इसका फनी वीडियो तो बनी चुका है, जिसे हम और आप देखकर काफी ज्यादा हंस भी रहे हैं। ये बात आपको भी मान लेनी चाहिए कि बंदरों को अगर कोई भी कुत्ता दिखाई पड़े तो ये उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं, जिसका एक उदाहरण आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं, जहाँ पर एक कुत्ते का मालिक उसे लेटाकर उसके साथ प्यार दुलार कर रहा था। लेकिन तभी अचानक पास में खड़े एक बंदर को उससे जरा जलन हो जाती है और इसी वजह से वो वहाँ पर पहुँच जाता है और सबसे पहले उस कुत्ते की पूंछ खींचकर भाग जाता है। हालांकि इसके बाद कुत्ता भी उसे सबक सिखाने के लिए दौड़ता है, पर बंदर नहीं मानता है और फिर से अपनी हरकत शुरू कर देता है। और ये बंदर इस कुत्ते को एक दो बार परेशान नहीं करता है, बल्कि ऐसे ही करते हुए लगातार इसे कई बार परेशान करता है। सबसे आखिरी वाला ये वीडियो भी एक बंदर और एक डॉग का ही है, जहाँ पर एक बंदर पता नहीं किस बात को लेकर नाराज हो जाता है और इस पपी को परेशान करने लगता है, और इसी वजह से यह पपी परेशान होकर इस बंदर के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन बंदर अपनी फुर्ती दिखाते हुए जल्दी से नीचे कूद जाता है और फिर से ऊपर आकर इस पपी को परेशान करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो फिर जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।